चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एसीसी 128 के ह्यूमिडिटी सेक्शन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। अब पहले ये चीज हम समझ लें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल जब भी कानून बनाएगी, कोई लॉ बनाएगी, तो उसमें जो कुछ रूल्स बताए गए हैं वो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉलो करे, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कि जब भी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी उसमें कुछ जो आइडियलिज्म की बातें होती हैं वो चीज उसको वो लोग उसमें रखेंगे। तो डीपीएसपी का कुछ बेसिक मैं बता देता हूं, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में। आर्टिकल से कौन से रिलेटेड है? आर्टिकल से रिलेटेड है ये, आर्टिकल 36 से 51 तक पाया जाता है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स आर None of the above, justiciable, both of them non justiciable. तो मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिकेबल होते हैं। अब जस्टिकेबल का मतलब क्या होता है कि इसको बाई फोर्स हम लागू नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है, ले लें तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो हमारे देश के आया है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिया गया यूएसए से, ठीक। इसको क्या होता है, इसको बाई फोर्स लॉ किया जाता है, मतलब कि हम जबरन गवर्नमेंट को ये ऑर्डर जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं आप ये लोगों का फंडामेंटल राइट क्यों वायलेट कर रहे हैं। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, तो डीपीएसपी इट इज ए नॉन जस्टिकेबल, ठीक है। और जो डीपीएसपी लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये जो आयरलैंड में आया है ये कॉपी है स्पेनिश कंट्री का, कॉपी किया गया आयरलैंड में, और आयरलैंड से हम लोग लिए हैं डीपीएसपी अपने देश में। आई थिंक आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। किस पार्ट में है ये बता दिया, किस आर्टिकल में है ये बता दिया, किस कंट्री से लिया गया ये बता दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आपको फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का पता होना चाहिए। और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके सेंट्रल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होगा उसी को बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को बोलेंगे फेडरल सिस्टम, ठीक। अब इंडिया में फेडरल सिस्टम कैसे पहचानेंगे, जैसे हम लोग एक नाम सुनते हैं सेंट्रल लिस्ट, जिसपे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो लॉ बनाएगी। दूसरा होता है लिस्ट जो होता है स्टेट लिस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट मतलब एज पर द नीड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी जरूरत लगे वो कानून बना सकता है। तो ये है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, कि सेंट्रल लिस्ट में जो कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उसको पूरे सभी कंट्री पे, हमारे देश के सभी स्टेट पे लागू किया जाएगा। स्टेट लिस्ट में उस पर्टिकुलर स्टेट कानून बनाएगा, उसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप नहीं होगा। कंकरेंट लिस्ट में दोनों में से जिसको जरूरत होगी वो कानून बना सकता है, ठीक। इसकी और सभी लिस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये डिवीजन ऑफ पावर पता होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज आपको पता होना चाहिए फेडरल सिस्टम क्या होता है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यूएसए में भी पाया जाता है, और रशिया में भी पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग इंटरनेट एड्रेस। अब देखो कैंडिडेट, कोई नॉर्मल कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, देखो याहू और गूगल का नाम सब लोगों ने सुना है,
तो इंटरनेट एड्रेसिंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पूरा ये मामला इसमें फंसा, ऑप्शन नंबर ए और सी में। अब IANA का मतलब क्या होता है और IEEE का मतलब क्या होता है? देखो, IANA का मतलब होता है द इंटरनेट, IANA द इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, द इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, IANA स्टैंड फॉर दिस। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। IANA इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कीप्स ट्रैक ऑन आईपी एड्रेस, डोमेन नेम एंड प्रोटोकॉल। इस सब का ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, मैनेजिंग इंटरनेट एड्रेस को मैनेज करने का काम कौन करेगा? IANA करेगा। याहू गूगल एक वेब पेजेस है, ठीक। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये तो एकदम गलत है, ये दोनों होंगे नहीं। ऑप्शन क्या बचा? ए, ऑप्शन नंबर ए था। और इस क्वेश्चन को पूछा क्यों गया था ये देखिए। देखो, ये दो ऑप्शन जानबूझ के डाले गए थे। याहू गूगल का नाम सब लोगों ने सुना है, तो इंटरनेट एड्रेस को मैनेज करने में इनका कोई काम नहीं होता। अब जिसको IEEE का मतलब नहीं पता होगा वो लगाएगा IEEE, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि IANA ही होता है मैनेजिंग इंटरनेट एड्रेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। 129, क्वेश्चन नंबर 129। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सब्सिडीज जो होती है वो कौन रिसीव करता है? बायर करता है, फैक्चरर करता है, सेलर करता है? ये तीनों लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल द एबव। देखो, एक आपको ट्रिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ऑल द एबव करके, जब भी आपको ऑप्शन में ऑल द एबव दिखाई पड़े, 99% चांस होता है कि ऑल द एबव सेक्शन वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। तो जिसको बायर सेलर मैन्युफैक्चर का भी कोई आइडिया नहीं होगा वो ऑल द एबव लगा देना, ये 99% चांस होता है सही हो जाता है, ये ऑप्शन हमेशा सही होता है, ऑल द एबव जहां भी दिखे। चलिए, 126 का, 126 का पता है ना, शायद आप अभी जुड़े हैं, नॉन जस्टिकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, G15 इज ए ग्रुप ऑफ। अब देखो, G15 में ऑप्शन पढ़िए पहले क्या दिया हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज, कंपनीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एक नॉर्मल थॉट क्या आती है दिमाग में, हम लोग G7 सुने हैं, G20 सुने हैं, बट G15, G15 ग्रुप क्या है? ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। ये कंपनीज का कोई ग्रुप नहीं है, डेवलप्ड कंट्री तो है ही नहीं। नॉन अलाइंड कंट्रीज का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइंड कंट्रीज का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि ये एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें ये बोला गया है कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नॉन अलाइंड कंट्रीज का मतलब ये होता है। डेवलपिंग कंट्रीज का ये ग्रुप है G15 का। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कंट्रीज कौन कौन सी आएंगी। अल्जीरिया आएगा, मैं नाम सब बताते चल रहा हूं, अल्जीरिया, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, सेंगल, जमैका, जिम्बाब्वे, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू, वेनेजुएला, श्रीलंका, ये सब जो ग्रुप्स हैं वो जी ग्रुप्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के। अब आपको जैसे कुछ कंट्रीज के नाम पता हो, श्रीलंका पता हो, मैक्सिको पता हो, लैटिन अमेरिका पता हो, अल्जीरिया पता हो, ब्राजील, इजिप्ट पता हो, तो आप जान जाओगे कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड तो होने का सवाल ही नहीं उठता। नॉन अलाइंड है नहीं, कंपनीज तो कोई मामला ही नहीं बनता, ये ऐसे भी इलिमिनेट आप कर सकते थे। ये सवाल बहुत आसान था, ये अगर मैं बताऊं तो ये सारे के सारे सवाल थे बहुत आसान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 131, अमन इज द सीक्रेट एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अमन होती है इसराइल की, इसराइल की सीक्रेट सर्विस की नाम दिया गया है अमन। इंडिया का नाम है रॉ,
रॉ है सीक्रेट सर्विस एजेंसी, ठीक है। कनाडा का क्या है? सीएसआईएस, कैनेडियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, सीएसआईएस कनाडा का है। इराक का है इराक इंटेलिजेंस सर्विसेज, डबल आई एस इराक का है। इजराइल का है क्या? अमान। कनाडा का क्या है? सीएसआईएस। इंडिया का मैंने बता ही दिया। चलिए मोसाद भी है इसराइल का। पाकिस्तान का जो है वो आईएसआई है, सबको पता है ना, आईएसआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पुर्तगीज का जो सीक्रेट सर्विस का नाम है वो है एस आई आर पी, सिस्टेमा डी इंफ्रांसकोम डी रिपब्लिका पुर्तगीज, तो एस आई आर पी है, आप शॉर्ट में याद रखिए। तो अमन सबको पता है, इजराइल का है। अब मोसाद तो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 ये है, जो बिलोंग करता है जियोग्राफी के सेक्शन से। अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर, ये आप याद भी रखिएगा। नर्मदा रिवर जो निकलती है वो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इट इज ए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक की नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अब डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ, अनूपपुर होता है। अनूपपुर जो है डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो अमरकंटक की पहाड़ी, जो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, वहीं से निकलती है। चलो का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 133 थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। अब देखो हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने कंट्रीज की के वो लाइन कितने कंट्रीज से पास करती है, जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं। नंबर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये है 16, 16 कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक। अब बोल रहा है डज नॉट पास, तो डज नॉट पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास करती है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक आउटलाइन बताता हूं, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है वो होता है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथर्न बोलते हैं, ठीक। तो इक्वेटर के 23rd 23.5 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींची जाती है, वो लाइन जितने कंट्रीज को टच करेगी वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उतना ही हम लोग नीचे करेंगे 23.5 डिग्री नीचे से एक लाइन खींचेंगे इक्वेटर के पैरेलल में, वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो लाइन जिस जिस कंट्रीज से पास करती हैं उसका नंबर है 16, और जो कंट्रीज हैं वो देख लीजिए क्या है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश ऑप्शन में है, म्यांमार ऑप्शन में है, चाइना, आंसर होगा नेपाल, ये तो हमारा आंसर हुआ, ठीक। ताइवान, मैक्सिको, ठीक है, बाकी कंट्रीज हैं कुल मिला के 16। अब एक चीज यहां पे आप लीजिए कि मैंने इंडिया का नाम दिया, इंडिया में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो टच करता है वो टोटल 8 स्टेट को टच करता है, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, टोटल 8 स्टेट हैं इंडिया के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच कर सकते हैं, टच करते हैं। बट एक बार याद रखिएगा कि इस बार शायद पूछ लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो लाइन है वो इंडिया को टच करती है, और कौन सा स्टेट टच नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो आपको आठवें स्टेट का नाम पता होना चाहिए। ठीक, इसका ऑप्शन होगा सी। 134 क्या है? पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सबसे ज्यादा चलन आया था कोविड टाइम में, जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो पीएचसी सेंटर पे वैक्सीनेशन हो रहा था, तो वहां से ये वर्ड डिराइव किया गया, पीएचसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर? लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर की बात कर रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग, नो। फिशरीज, नो। माइनिंग, नो। एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने का दो प्रकार से आंसर था। ठीक है, पहला क्या था, एक नॉर्मल लॉजिक क्या लगता है, इंडिया इज ए, मतलब इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक, तो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर एग्रीकल्चर होगा। फिशरीज क्यों नहीं होगा? फिशरीज देखो, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहीं पे फिशरीज का काम होता है। बाकी के लोग, अब कोई यूपी का इंसान तो कोस्टल एरिया में जाकर फिशरीज का काम तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। माइंस में भी ये है, जहां जहां कोल माइंस है वहीं तो लेबर लगेंगे, और तो कहीं लगेंगे नहीं। पोल्ट्री फार्म में भी यही चीज होता है, बट एग्रीकल्चर का काम हर स्टेट में होता है। कोई ऐसा स्टेट ना हो जिसमें एग्रीकल्चर का कोई ना कोई एक्टिविटी ना होती हो। तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो सबसे ज्यादा लोग किधर एब्जॉर्ब होंगे? एग्रीकल्चर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए। बट माइनिंग में देखो बेटा, जो तुम बोल रहे हो माइनिंग को लेकर, माइनिंग इट इज नॉट द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। माइनिंग का ज्यादा काम क्या होता है भाई? छत्तीसगढ़ में होता है जहाँ कोल माइंस हैं, झारखंड में होता है, कुछ हिस्सा बिहार का भी ले सकते हैं, बस मोस्ट ऑफ द झारखंड में तो सबसे ज्यादा कोल माइंस झारखंड में ही तो है भाई। इसके बाद कहाँ और कोल माइंस करोगे बताओ, जहाँ छोटे मोटे और माइंस है वहां पे। बट जितने भी इंडिया के स्टेट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो होती ही है। आप लोग इकोनॉमी में, मैं आप लोग को एक वर्ड बताया था, जहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो लेबर सेक्टर लेबर कैटेगरी है, वो चली जाती है किधर? एग्रीकल्चर के काम में। ठीक है, ठीक। चलिए, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ये मैंने बहुत बार आप लोग को लाइव क्लास में बताया है, और ये क्वेश्चन कभी कभी ईस्टर्न मोस्ट पास्ट पूछ लेंगे, वेस्टर्न भी पूछ लेंगे, नॉर्दर्न भी पूछ सकते हैं, साउथर्न भी पूछ लेंगे। मैं आपको चारों का नाम बता देता हूं, आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक, साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ये अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट नाम है इसका। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट क्या है? गुहार मोती गुजरात में पड़ता है, और ईस्टर्न पॉइंट क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसका नाम है किबिथू। ये मैं आपको चारों का नाम बता दिया। कभी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा, कभी साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा, ईस्टर्न भी अब पूछने लगे हैं, और वेस्टर्न तो कभी पूछा नहीं गया, तो वेस्टर्न का भी चांस है पूछने का, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 137, जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ, सबको पता है सैफ्रॉन, केसर के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। राइस के लिए है वेस्ट बंगाल, वीट के लिए है उत्तर प्रदेश, टी के लिए है असम। असम, ठीक है, मैंने चारों ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया। सैफ्रॉन है जम्मू कश्मीर के लिए फेमस, राइस के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल, वीट के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश, टी के लिए फेमस है असम। चलिए 130 से रिपीट सर, मैंने अभी बताया ना, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल, जो कि पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। साउथर्न में मैंने बताया अंडमान निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट नाम है, कोल नाम है। ठीक,
इंदिरा पॉइंट नाम है। चलिए, इन नेपाल देयर वॉज अ वायलेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ किंग मोइस्ट गुरिलास। ठीक है, ये कंफ्लिक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 13 फेब 1996 से लेकर 2006 तक ये कंफ्लिक्ट चला था नेपाल के किंग की आर्म फोर्सेस और मोइस्ट गुरिलास के बीच में ये वॉर हुआ था। ठीक है, चलिए 139 बाई कन्वेंशन हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का कन्वेंशन पूछ रहे हैं। सीनियर मेंबर ऑफ लॉ कमीशन, जूनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये गलत होगा। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सही होगा। सीनियर जज हाई कोर्ट, यार हाई कोर्ट का सीनियर जज कभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, ये भी गलत हुआ। लॉ कमीशन में इसमें कोई मतलब नहीं होता, सीनियर मोस्ट जज को बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये चुने जाते हैं कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, जिसमें जो प्रेजेंट सीजीआई होंगे वो अपना एक सक्सेसर चुनेंगे कि मेरे बाद ये हमारे पद को संभालेंगे। ऐसा ही परंपरा चलता आ रहा है अभी तक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ये क्वेश्चन था पॉलिटी का। मैं इसीलिए आपको सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी टू प्लेस इन 1773 इज एसोसिएटेड विथ। अब देखो, बोस्टन टी पार्टी का नाम सुनते ही एक बात दिमाग में आएगी, अमेरिकन रेवोल्यूशन से। अब ठीक है, अब लेकिन बोस्टन टी पार्टी थी क्या? बोस्टन टी पार्टी ये था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक बात बहुत फेमस था, वो क्या था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब बिना प्रतिनिधित्व को कोई कर नहीं होगा, ये अमेरिकन का नारा था। बट अमेरिका उस समय ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या नारा दिया? टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अमेरिकन्स ने ये डिमांड की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, इसके डिमांड पे हम काम करेंगे, टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम आपका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं लेंगे, बट हम उस पर टैक्स जरूर लेंगे। इससे क्या हुआ? अंग्रेजी जो जनता थी, अमेरिकी जनता, उनके बीच बड़ा गुस्सा पैदा हुआ। तो ब्रिटिशर्स का जो चाय आयातित होता था बोस्टन के मैसाचुसेट्स के ग्रिफिन घाट पर अमेरिकन ने 342 चाय की जो इंपोर्ट पेटियां आ रही थी उसको उठा के अमेरिकन्स ने पानी में फेंक दिया। वो सबसे चर्चित घटना को बोस्टन टी पार्टी बोला गया है। ठीक है, बोस्टन एक जगह का नाम है मैसाचुसेट्स में, ग्रिफिन घाट पे हुआ था ये पूरा कहानी, पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली। ये हैं गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ अ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने ही तुगलकाबाद, जो दिल्ली के नजदीक है, किले का निर्माण कराया था। ये एंशियंट, ये मिडविल का पार्ट है, मिडविल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो सेक्शन है, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। द हेग इसका आंसर होगा। आईसीजे कहाँ डिपेंड करता है? द हेग में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? बाबर। ये भी है मिडविल का क्वेश्चन। ठीक है, अब बाबर फाउंडर कैसे बना? फाउंडर ऐसे बना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के लोदी डायनेस्टी का अंत किया और मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, चलिए, वन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ले स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ले स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब दबाव डालता है
फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिबरलाइजेशन पे, ट्रेड से मतलब है तो WTO इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ लोग ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ से रिलेटेड है WHO। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, चलिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इन सब का मैं एस्टेब्लिशमेंट आपको बताता हूं। WTO जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो जिनेवा शहर में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक, ये जैट का अपडेटेड नाम है, इसका नाम रखा गया 1 जनवरी 1995 में, लेकिन जेट एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। 1948 से 1995 तक ये चला जेट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, हेल्थ की बात करते हैं, कोविड में सबसे ज्यादा यही चर्चा में थे। WHO की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, इंटरनेशनल मनी मॉनिटरी फंड IMF, IMF जो है इसका हेडक्वार्टर है Washington DC, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1944 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 144 का डी। बाकी मैंने आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं ये सब फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली हर समय कहते हैं, और आपके क्वेश्चन में भी इसी सबसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए 145 क्या है, द कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड राइजिंग इन इंडिया एज अ सोशल फोर्स ड्यू टू रैम्पेड फूड शॉर्टेज के कारण कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एड्यूलरेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, अनएथिकल एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ऑल दी अबव। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑल दी अबव दिखाई पड़े, बाकी ऑप्शन को लेकर आप अगर अनसर्टेन हैं, आपको नहीं पता कि वो सही है या गलत है, तो आप आंख मूंद के इसका ऑल दी अबव पे लगा दीजिए, आंसर आपको वही होगा। अब देखो इसके पीछे का मैं एक लॉजिक भी आपको बताता हूँ कि आंसर ये सही क्यों हुआ। एक तो ये बता दिया कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बी मार दीजिए, ऑल दी अबव सीधे उसका सही हो जाएगा। भाई मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब किसी न किसी चीज की समस्या को लेके वो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुई होगी। भाई फूड शॉर्टेज थे ही, फूड एंड एडिबल ऑयल को लेके अल्ट्रेशन भी चल रहा था उस समय, और अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो ट्रेड हो रही थी वो बहुत गलत तरीके से हो रही थी, उसको लेकर भी बहुत अनसर्टेन प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, तो लोगों को क्या लगा यार ये तो गलत हो रहा है, तो उसको लेकर कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड हुआ भारत में, और सोशल फोर्स के कारण जुड़ा, इसलिए ऑल द अबव आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, द अप्रोक्स हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका होगा 35,000 किलोमीटर। ये कम से कम इतनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये हर बार पूछा जा रहा है, हर मतलब ये पांचवी या छठवीं बार में रिपीटेड क्वेश्चन है ये PYQ से। जैसे हम लोग एटमॉस्फियर, ये ज्योग्राफिक सेक्शन का क्वेश्चन था, और जैसे हम लोग एटमॉस्फियर पढ़ते हैं तो एटमॉस्फियर की लेयरों को बांटा गया है, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर एंड
एग्जोस्फेयर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लेयर्स हैं, वो लेयर्स में जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जो सेटल हम लोग सेटेलाइट को सरफेस में सेटल करते हैं, वो होता है 3,000, 36,000 होता है, बट आंसर नहीं दिया तो नियर बाई में मार्क कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कितने हाइट पे हमारे अर्थ की सरफेस से, जहां हम लोग रह रहे हैं उस सरफेस से कितने हाइट पे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट सेटअप की जाती है, यही इस क्वेश्चन का मतलब था। 147 हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज लोकेटेड, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है, अब कुछ लोग कहेंगे वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी नहीं है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। और इसकी जो यूएन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कहां पे इसका हेडक्वार्टर बना, न्यूयॉर्क में बना, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी इस समय सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म में है, सबको पता है क्यों है, क्योंकि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना है और ये लोग रोड़ा लगा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, WTO ट्रेड से मतलब, WHO हेल्थ से मतलब, यूनिसेफ और यूनेस्को, यूनेस्को होता है हेरिटेज साइट को लेकर, और यूनेस्को यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से मामला देखते हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रेन वेलफेयर से यूनिसेफ है, ठीक है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में, यूनिसेफ का हुआ था। और इसका जो आप हेडक्वार्टर भी लिख लीजिए कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इससे ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ना कभी बने हैं ना आगे बनेंगे। चलिए 149, जापान हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ स्टेट एज, ऑप्शन नंबर ए है एम्परर, ऑप्शन नंबर बी है चांसलर, ऑप्शन नंबर थ्री है कमांडर इन चीफ, और ऑप्शन नंबर फोर है प्रेसिडेंट। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो कौन होते हैं, इसके जो आंसर होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है जापान का, वो आंसर होगा एम्परर, एम्परर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट। अभी जापान के एम्परर को लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रो चल रही थी, चांसलर, चांसलर जर्मनी में होते हैं बेटा, हेड ऑफ स्टेट जर्मनी में चांसलर कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा एम्परर, प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है। अभी ये न्यूज में थे, ये करंट अफेयर्स से जोड़ के पॉलिटी बना दी गई है, ये करंट अफेयर्स का न्यूज था उस समय का, 128 का जब एग्जाम हो रहा था, विद इन 2 मंथ पहले जापान के एम्परर को लेके बहुत ज्यादा न्यूज आई थी, तो वहां से ये पॉलिटी का क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए लास्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कबीर वॉज द डिसिप्लिन ऑफ, रामानंद होगा, ठीक है, कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे,
तो पूछा कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे, 150। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर सॉल्व कराया गया। अगर मेरा रिव्यू आप लेंगे इस पेपर को लेके, तो मैं एक अपनी बात कहूं तो पेपर आपका ये इजी सेक्शन में था और कोई बहुत डीप में क्वेश्चन जाके नहीं पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन डुएबल थे सारे के सारे। और जो भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, इन सभी क्वेश्चन को जिसने भी लाइव क्लासेस हमारी अटेंड किया होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो इसके एबव होता है।